हेलो बच्चों, आई निशा पार्शे सालवे योर बायोलॉजी मेंटोर। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पार्ट 5। इससे पहले के पार्ट्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और आज जो है बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको यदि समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपने इजीली स्कोर कर लिया है 4 मार्क्स को, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ही घुमा फिरा करके आते हैं। इसीलिए मैं पहले ही स्टार्ट करने से पहले कह रही हूँ कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंफ्यूजन है, या जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट बता रही हूँ, उसको आपको बहुत अच्छे से पेन डाउन ज़रूर कर लेना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हायरार्की की। हायरार्की क्या है? हायरार्की की हम बात करें तो बच्चों ये है एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट? क्या बोला मैंने? हायरार्की क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक अरेंजमेंट कैसा है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी हायरार्की। अब आप बोलोगे कि मैम कैटेगरीज क्या है, राइट? कैटेगरीज भी तो हमें पता लगी बच्चों। जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, या मैं बोलूं कि जो हमारी हायरार्की है, वो एक नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, राइट? जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट है, है ना? हम जो क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंजमेंट करना हो, क्लासिफिकेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपको इंडिविजुअल मिला है, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको अरेंज करना है, तो वो किस किस हिसाब से करते हैं? हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, और ईच स्टेप क्या कहला रहा है? कैटेगरी और रैंक और लेवल। लेकिन आपके बुक में एक वर्ड और दिया हुआ है, टैक्सोन। क्या हमारी कैटेगरी और जो टैक्सोन है ये दोनों एक ही बात है? नहीं, राइट? हमें बोला गया है कैटेगरी, ठीक है, स्लैश रैंक, स्लैश लेवल, स्लैश टैक्सोन, बट टैक्सोन इट्स अ डिफरेंट। सो हमने क्या बात करी? हायरार्की क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फर्स्ट थिंग। फिर हम बोल रहे हैं जो हायरार्की है या क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस जो हैं या बहुत सारे स्टेप जो हैं इन्वॉल्व हैं। ईच स्टेप जो है, राइट, ईच स्टेप जो है उस हायरार्की का या उस क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? हमारा कैटेगरी है या रैंक है या फिर लेवल है। बट वॉट अबाउट टैक्सोन? ठीक है, तो टैक्सोन और कैटेगरी में डिफरेंस आपको मैं बताती हूँ, राइट? दोनों को हम डिफाइन करते हैं। तो टैक्सोन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट, राइट? क्या बोला मैंने टैक्सोन क्या है? कि टैक्सोन एक ग्रुप है, एक या एक से अधिक पॉपुलेशन का, किसकी? ऑर्गेनिज्म की। मतलब ऑर्गेनिज्म की एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन को तुम एक यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या है? टैक्सोन है, राइट? अब हम बात करें कैटेगरी की।
कैटेगरी क्या, कैटेगरी क्या करती है? इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स रैंक और लेवल इन टैक्सा, यानी कि टैक्सॉन का एक रैंक क्या है, एक लेवल क्या है, वो क्या उन रिप्रेजेंट कर रही है, कैटेगरी। जैसे आप बात कर सकते हो किंगडम, किंगडम क्या है, एक कैटेगरी है ना, एक रैंक है, किस मतलब सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो आप बोलोगे किंगडम है। स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस टैक्सा में एक रैंक और लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। और यदि हम बात करें टैक्सॉन की, तो हम बोलेंगे कि स्पीशीज कैसी है, हम बोलेंगे मतलब जीनस कैसा है, हम बोलेंगे होमो है। स्पीशीज क्या है, होमो सेफियंस है। फिर हम बोलेंगे कि मैम ये तो जो हमारा प्लांटी है, किंगडम क्या है हमारा, प्लांटी है या फिर एनिमिलिया है। ये शो कर रहा है किसको, एक पर्टिकुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक पॉपुलेशन या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन को एक यूनिट में, कौन, टैक्सॉन। कैटेगरी क्या है, ये उस टैक्सॉन में उसकी रैंक को बता रहा है। इज दैट क्लियर। ये डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशंस नहीं है बच्चों, ये एक तरह का कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा कि टैक्सॉन और कैटेगरी एक सेम चीज़ नहीं है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। हायरार्की हमें समझ में आई कि असेंडिंग, अब बात कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग वर्ड का यहाँ क्या मतलब है, है ना। असेंडिंग, असेंडिंग हायरार्की है या फिर डिसेंडिंग हायरार्की है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कैसे अभी बात करते हैं। देखो बच्चों, जो कैटेगरीज है हमारी क्लासिफिकेशन में वो कितनी है, सेवन, सेवन मेन कैटेगरीज है। और ये कैसी हैं, ऑब्लिगेट है, कैसी है, ऑब्लिगेट है। और यदि मैं बात करूं असेंशियल की, तो ये लगभग 21 हो सकती है, है ना। लेकिन जो सेवन ऑब्लिगेट हमारी कैटेगरीज हैं उनके आधार पर हम हायरार्की को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे स्पीशीज, राइट, फिर हम बोलेंगे जीनस, फिर हम बोलेंगे फैमिली, फिर हम बोलेंगे ऑर्डर, फिर हम बोलेंगे क्लास, फिर हम बोलेंगे डिवीज़न या फिर फाइलम, और फिर हम लास्ट में बोलेंगे किंगडम। अब देखो गिन लो एक बार, सेवन कैटेगरीज हो गई क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस, ये तो कंप्लीट हो गई। कैसे मैम ने याद रखा ये, और ये एक अरेंजमेंट जो है वो कैसे याद रहा कि किसके बाद क्या आएगा, तो आपको मैं बता दूं इसके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक, कीप पेन ड्राइव क्लीन, कीप पेन ड्राइव क्लीन, अदरवाइज otherwise family pictures get stuck, ठीक है, stuck का s यानी कि species, get का genus और family का f यानी कि family ही है। उसके बाद में हम चलेंगे अदरवाइज में, अदरवाइज में आप बोलोगे ऑर्डर, राइट, फिर हम क्लीन को बोलेंगे क्लास, पेन ड्राइव को हम बोलेंगे फाइलम, फाइलम और डिवीजन, और कीप को हम बोलेंगे किंगडम। ये बात क्लियर हुई क्या, हमने बोला कीप पेन ड्राइव क्लीन अदरवाइज फैमिली पिक्चर्स गेट स्टक, क्या हुआ, हमने बोला किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली और हमारा जीनस और स्पीशीज, क्या मैंने ऐसे ही लिखा है, स्पीशीज हम बोलेंगे, देखो यहां से आओ, कहां गया अपना, क्लीन, कीप, पेन ड्राइव, फाइलम एंड डिवीजन, पेन ड्राइव, क्लीन, क्लास, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली पिक्चर्स फैमिली,
गेट जीनस स्पीशीज यानी कि स्टक, कीप पेन ड्राइव क्लीन अदरवाइज फैमिली पिक्चर्स गेट स्टक, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन और फाइलम एक साथ ही रखा जाता है। जब हम फाइलम की बात करते हैं तो हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं, एनिमल के रेफरेंस में। डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट के केस में, और ये उसके बाद आएगा हमारा किंगडम। ये चीज क्लियर हो गई। अब सुनो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है और ये कैसी है। 7 मेन ऑब्लिगेट कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी की, राइट। एक बार असेंशियल की भी बात कर ले। असेंशियल कैटेगरी क्या है, असेंशियल कैटेगरी है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना ये सुप्रा फैमिली से है मैम, ये तो सब फैमिली से बिलोंग करता है, तो सब क्लास में आता है, तो ये सब क्लास सुप्रा ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं हमारी असेंशियल कैटेगरीज। तो यहाँ पर जिस भी रैंक की और जिस भी कैटेगरी की हमें ज़रूरत होगी, राइट, जैसे किसी स्पीशीज़ का हमें सब स्पीशीज़ मिल जाए, कोई ऑर्गेनिज्म का हमें सब क्लास मिल जाए, है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, असेंशियल होने पर ही करेंगे, अदरवाइज तो ये हमारी 7 कैटेगरीज ही रिक्वायर्ड होती है। इज दैट क्लियर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझना है, ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए बच्चों तुम देखो, यदि हम चल रहे हैं छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा असेंडिंग, है ना। ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे टैक्सोनॉमिक की। तो यहां से तुम्हारा कोई अरेंजमेंट चल रहा है ऐसे, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर, तो कैसी हायरार्की हो जाएगी, असेंडिंग हायरार्की हो जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारी हायरार्की चल रही है बड़े से छोटे की ओर, कैसे चल रही है, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, तो अपनी हायरार्की कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी डिसेंडिंग हायरार्की, राइट, वो कैसे हो जाएगी हमारी डिसेंडिंग हायरार्की। इज दैट क्लियर। असेंडिंग अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, वापस से फोकस करते हैं। हमने बोला हायरार्की क्या है, हायरार्की क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट या टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, अपन बोल सकते हैं यही हमारी हायरार्की है। असेंडिंग हायरार्की और डिसेंडिंग हायरार्की क्या होती है। असेंडिंग हायरार्की का मतलब है कि मैम जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ अपन जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, असेंडिंग हायरार्की। डिसेंडिंग हायरार्की की जब अपन किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो उस वो जाएगी डिसेंडिंग हायरार्की, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। फिर हमने बोला कि मैम कैटेगरी क्या है, भाई जो क्लासिफिकेशन है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो एक एक स्टेप है उसी को हमने क्या बोला, कैटेगरी, रैंक और लेवल। फिर हमने बोला मैम टैक्सोन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, तो टैक्सोन जो है वो है हमारा वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ वन यूनिट, एक सिंगल यूनिट से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, तो हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोन। फिर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब है इट रिप्रेजेंट रैंक और लेवल इन टैक्सोन। इज दैट क्लियर। ये चीजें अभी तक हमने बात करी। डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नोन एज हायरार्की, ये डन है अपना। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स इसमें मौजूद होते हैं, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। एक एक स्टेप क्या है, रैंक और कैटेगरी। कैसे मैम, आ जाओ, स्पीशीज ये एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनस ये एक रैंक और हमारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक स्टेप, इस स्टेप से हम इस स्टेप पे गए, इस स्टेप से हम इस स्टेप पे गए, इस स्टेप से हम इस स्टेप पे, तो वी हैव मैनी स्टेप्स इन अ क्लासिफिकेशन, और एक स्टेप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक और कैटेगरी को। तो नाउ इट इज क्लियर। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज, यदि हम सारी कैटेगरीज को एक साथ रखें तो वो क्या बनाएंगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगी। फिर ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैटेगरी और रैंक
अब देख लो यहाँ पर मैंने बता दिया कैटेगरी और रैंक को कैसे बोल रहे हो, किंगडम स्टेप है ना, किंगडम क्लास स्टेप है, जीनस स्टेप है, लेकिन टेक्सोन क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है ना, वन और मोर पॉपुलेशन, तो यहाँ पर क्या है प्लांट्स, तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है या हमारा कोई भी इंडिविजुअल है उसका एक ग्रुप बना दो, उसकी पॉपुलेशन बना दो, प्लांट्स की पॉपुलेशन हो गई, एनिमल्स की पॉपुलेशन हो गई, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टेक्सोन, इज दैट क्लियर। देयर आर 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनके बारे में हमने बात करी। अब देखो मुझे बताओ किंगडम से स्पीशीज हम आ रहे हैं तो ये कैसी हायरार्की है, बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं तो ये हायरार्की कैसे हो गई, ये हो गई हमारी डिसेंडिंग हायरार्की, डिसेंडिंग हायरार्की। यदि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो ये कैसी हो गई हमारी असेंडिंग हायरार्की, इज दैट क्लियर। कौन कौन सी है, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, कीप पेन ड्राइव क्लीन अदरवाइज फैमिली पिक्चर गेट स्टक। नाउ डन, अब अपन आएंगे फर्स्ट रैंक लेवल और कैटेगरी पे विच इज स्पीशीज। स्पीशीज का कंसेप्ट यदि समझ लोगे तो जीनस आराम से आ जाएगा, फैमिली आराम से आ जाएगा, ऑर्डर और जो हमारी क्लास फाइलम डिवीजन किंगडम ये तुम आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारा क्या है, स्पीशीज है। स्पीशीज का कंसेप्ट समझने के लिए बच्चों बहुत ही गौर से आपको सुनना और समझना पड़ेगा, राइट। ये क्या है स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ये, है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। कैसा, ऐसा जिनके पास क्या हो, सेम मॉर्फोलॉजी हो, मॉर्फोलॉजी हो, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जिस भी इंडिविजुअल के पास होगी, अगेन रिपीट, फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जिस भी इंडिविजुअल के पास होगी या जिन जिन इंडिविजुअल्स के पास होगी वो किस में रखे जाएंगे, सेम स्पीशीज में रखे जाएंगे। अगेन रिपीट, अब देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे एक आंट की, ले लें एक आंट है, ठीक है, इसका जो आंट का कलर है वो रेड कलर है, एक और आंट है अपने पास उसका कलर हमारे पास हो गया ब्लैक, ले लो। तो अब मुझे बताओ तुम्हारे सामने दो कीड़े चल रहे हैं, है ना, जिसको तुम मकोड़ा भी बोलते हो, दो आंट चल रहे हैं, तो ये जो आंट्स हैं हमारे पास एक रेड कलर की है ये ब्लैक कलर की है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों को सेम स्पीशीज में रखूं या नहीं, यदि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो दैट मीन स्पीशीज समझ लोगे। अब मुझे बताओ यहां पर इन दोनों को एक ही स्पीशीज में रखूं या अलग अलग स्पीशीज में जाएंगी और क्यों, लुक ये दोनों अलग अलग स्पीशीज में जाएगी, क्यों जाएंगी ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज में, क्योंकि मैंने बोला फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जिन इंडिविजुअल्स के पास होंगी वो सेम स्पीशीज में जाएंगे। तो यहां पर तो मॉर्फोलॉजी बदल गई भैया, कलर अलग है, कलर अलग है, यहां ब्लैक कलर शो कर रहा है या रेड कलर, हो सकता है इसका साइज भी बढ़ाओ, हो सकता है इस चीटी का साइज बढ़ाओ और इस चीटे का साइज छोटा हो, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो बदल गए, यानी कि ये सेम स्पीशीज में तो नहीं आएंगे। तो यहां पर आंसर आएगा कि ये दोनों जो चीटे हैं वो सेम स्पीशीज में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर ही नहीं है, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या बोला, स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनकी फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है इंडिविजुअल्स में, वो कैसे आएंगे, सेम स्पीशीज में रखे जाएंगे, इज दैट क्लियर। आ जाओ, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज, डन। अब हम बात कर रहे हैं,
अब हम बात करेंगे कि जो स्पीशीज हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, जो स्पीशीज हैं वो कैसे कैसे हो सकती है। तो मैं पहले लिख देती हूँ पॉलीटिपिक या पॉलीटाइपिक स्पीशीज, मोनोटिपिक स्पीशीज, फिर हम बोलेंगे बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्पीशीज। ये सारे के सारे जो स्पीशीज हैं आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों उनको बोल रहे हैं। और हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिक और फेनेटिक स्पीशीज। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंपैट्रिक स्पीशीज, फिर हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज, राइट। तो इन कंसेप्ट पे अभी अपन बात करने शुरू करें। पहली है स्पीशीज कैसी हो जाएगी, पॉलोटाइपिक। पॉलीटाइपिक स्पीशीज क्या कहलाएगी, अ स्पीशीज कंटेन्स वन और मोर सब स्पीशीज, राइट। यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास सब स्पीशीज हो, एक या उससे अधिक। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन ले सकते हैं ब्रैसिका ओलेरेशिया का, जिसमें अपन कैबेज की बात करते हैं, कॉलीफ्लावर की बात करते हैं, ब्रोकली की बात करते हैं, राइट। तो वो क्या है, पॉलीटिपिक स्पीशीज है। यानी कि ब्रैसिका ओलेरेशिया में अपन बोल रहे हैं कि और भी जो स्पीशीज है कैसी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज रखती हैं, लेकिन वो इनब्रीडिंग नहीं कर सकती है। तो पॉलीटिपिक का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक से अधिक सब स्पीशीज हो। अब मोनोटिपिक, अभी लग रहा है देखो नाम से, यानी कि सिंगल, यानी कि डू नॉट सब डिवाइडेड इंटू सब स्पीशीज, राइट। यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि आगे फर्दर सब स्पीशीज में डिवाइडेड ही ना हो, वो क्या कहलाएगी, मोनोटिपिक, राइट। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्पीशीज और टैक्सोनॉमिकल और फेनेटिक स्पीशीज में डिफरेंस। इससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है। क्या बताना चाहूंगी कि बच्चों जो स्पीशीज टर्म है, स्पीशीज जो टर्म है, ये किसने दी है, ये दी है आपके जॉन रे ने। याद रखने वाली बात है बच्चों, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है अपन को इसमें। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय यदि मैं ऐसे लिखूं 20th century डार्विन ऑफ 20th century। तो क्या नाम पहचान लोगे किसके बारे में बात कर रही हूं, जो डार्विन है 20th century के, उन्होंने क्या दिया है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। दैट मींस हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट मेयर की। अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया। और शब्द किसने दिया स्पीशीज, जॉन रे ने। अब ये कहना क्या चाहते थे अर्नेस्ट जो हैं हमारे, वो कहना चाहते थे सुनो, कब हम किसी स्पीशीज को बायोलॉजिकल स्पीशीज कहेंगे, राइट। कब हम किसी स्पीशीज को बायोलॉजिकल स्पीशीज कहेंगे, बहुत ही अच्छे से सुनना है, समझना है। देखो मेरे पास एक दो ABC लिख लूं, नहीं अभी ठीक था ये, AAA, BBB, CCC, मेरे पास ये इंडिविजुअल्स के ग्रुप हैं तीन, ठीक है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप हैं तीन, राइट। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं,
और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में क्या है, जेनेटिकली रिलेटेड है, जेनेटिकली रिलेटेड है। अब जेनेटिकली रिलेटेड क्यों है, क्योंकि ये आपस में सी और सी इंडिविजुअल जो है आपस में इनब्रीडिंग कर सकते हैं। पहली बात, ए और ए बी जेनेटिकली रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ए के साथ क्या कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है। बी भी क्या है, जेनेटिकली रिलेटेड है, क्यों है, क्योंकि ये इनब्रीडिंग कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, क्या ए बी से, बी सी से या सी ए से क्लोजली रिलेटेड है? मैं कह रही हूं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। वापस ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रही हूं कि ये जो अपन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं ए बी सी, ये तीनों इंडिविजुअल्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। यदि कोई बहुत सारे इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं तो हम उनको जिस स्पीशीज में रखेंगे वो कहलाएगी हमारी टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। यानी कि ये जो स्पीशीज वन है, इस स्पीशीज में एक जो ग्रुप है वो ए ए का है, एक जो ग्रुप है वो सी सी का है और एक ग्रुप है जो बी बी का है, राइट? तो हमारे पास यहाँ तीन सब स्पीशीज है और ये मॉर्फोलॉजिकल क्या है, सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो मैं इसको जिस स्पीशीज में रख रही हूं बच्चों वो कहलाती है टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज। लिख दूं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। ये जो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है ये कौन सी है, स्पीशीज वन। अब ए ए ए सी 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 बी 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 ये क्या है, ये है हमारी बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये क्या है, हमारी बायोलॉजिकल स्पीशीज। मैम बायोलॉजिकल स्पीशीज का क्या मतलब है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वापस सुनना, ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ में इनब्रीडिंग नहीं कर सकता। यानी कि जो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो सी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ में इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल स्पीशीज कहलाएगी। और इस स्पीशीज के जो खुद के इंडिविजुअल्स हैं ए से ए, ये क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होंगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगी, यानी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्पीशीज क्या होंगी, बायोलॉजिकल स्पीशीज होंगी या फिर जेनेटिक स्पीशीज भी हम इनको कहेंगे। और टैक्सोनॉमिक स्पीशीज की बात करूं तो ये क्या होंगी, मॉर्फोलॉजिकली सेम होगी। एक और क्वेश्चन मैं यहां पूछूंगी, ये है इस स्पीशीज का नाम है वन और इसके अंदर इंडिविजुअल जो ग्रुप्स हैं वो हैं हमारे तीन, ठीक है, ए ए ए वाला, बी 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 वाला और सी 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 वाला, सी 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 बी 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 और ए ए ए। अब क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन ये है कि इस स्पीशीज वन में बायोलॉजिकल स्पीशीज कितनी है और टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कितनी है। क्वेश्चन है कि इस वाले जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कितनी है और बायोलॉजिकल स्पीशीज कितनी है, तो सीधा सीधा दिख रहा है
टैक्सोनॉमिक स्पीशीज जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी कि ये एक पूरी स्पीशीज वन, यानी कि टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कितनी है, एक, वन, और बायोलॉजिकल स्पीशीज कितनी है, एक, दो, तीन, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली कैसी है, आइसोलेटेड है ये, तो ये कितनी हो जाएगी मैम, बायोलॉजिकली हो जाएगी हमारी तीन, यानी कि थ्री स्पीशीज. इज दैट क्लियर? बायोलॉजिकल स्पीशीज और टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज समझ गए. तो आपको जो ये दिया है बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है स्पीशीज का, वो किसने दिया है, हमारे अर्नेस्ट मेयर ने दिया है, और स्पीशीज शब्द किसने दिया है, वो दिया है हमारे जॉन रे ने. इज दैट क्लियर? तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. एक स्पीशीज के इंडिविजुअल दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल से डिफरेंट होंगे, क्यों, यदि वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज नहीं रखते हैं तो. डन, आगे आ जाओ. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. आपको याद रखना है, यदि तुमसे पूछे कि क्लासिफिकेशन की बेसिक, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बच्चों, बेसिक यूनिट पूछे तो तुम बोलोगे स्पीशीज, ठीक है, और यदि तुमसे पूछे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप लिखेंगे टेक्सोन यदि ऑप्शन है, और कैटेगरीज, राइट? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल लेंगे अपन, अब अपन एग्जाम्पल लेंगे स्पीशीज का. हमारे पास एक एग्जाम्पल है मैंगी फेरा इंडिका, फिर एग्जाम्पल है हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजीना, सोलेनम नाइग्रम, इसके अलावा और भी है हमारे पास पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो टिग्रिस पार्डा या पार्डस. अब क्या हुआ, ये तो मैम आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, अब हमें समझने की बात क्या है बच्चों. देखो मेंजिफेरा इंडिका में जो मेंजिफेरा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, राइट? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट आपको पता है बायनोमियल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया जो लीनियस ने दिया था, उन्होंने बताया था कि जब हम किसी भी स्पीशीज का नाम रखते हैं लिखते हैं तो जो पहला वर्ड होता है वो पहला शब्द उसका कैपिटल लेटर होगा और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को. सेकेंड जो नेम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्पीशीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को, तो वो करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को, राइट? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा. तो फिर स्पीशीज क्या है, आप कह रहे हो मैम कि मेंजिफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट है, तो स्पीशीज क्या है, तो बच्चों मेंजिफेरा इंडिका ही क्या है, एक स्पीशीज है. किसकी, मैंगो की. इज दैट क्लियर? मैंगो की स्पीशीज है. कौन है हमारी मैंगीफेरा इंडिका, कौन है मैंगीफेरा इंडिका, क्या है हमारी एक स्पीशीज है जिसमें कि मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज दैट क्लियर? वैसे ही हम बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम, ये भी क्या है, सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट है, मेलनजेना भी स्पेसिफिक एपिथेट है, नाइग्रम भी क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है.
वैसे ही पैंथरा क्या है? जीनस है. और पैंथरा लियो क्या है? ये स्पीशीज है. इज दैट क्लियर? स्पीशीज समझ गए. अब हम बात करें कि इन मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथरा लियो के अंतर्गत क्या आ रहा है? थ्री नेम्स, जिसमें कि इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को. और फर्स्ट वर्ड मैंगिफेरा, सोलेनम और पैंथरा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेनेरा को. क्लियर? स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्लियर. इसके अलावा हमने क्या बात करी? हमने बात आगे भी तो छोड़ दी है शायद. हम देखेंगे किसकी बात कर ली. पॉलीटाइपिक हो गया, मोनोटाइपिक हो गया, बायोलॉजिकल और जेनेटिक स्पीशीज हो गया, टेक्सोनॉमिक और फैनेटिक स्पीशीज हो गया. एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया भाई? एक रह गया हमारा सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक. देखो सिम्पेट्रिक, सिम यानी कि याद रखो समान, एलो याद रखो अलग अलग, अलग अलग. ऐसी स्पीशीज जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहती हूं, राइट? ऐसी स्पीशीज जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं वो कहलाती है एलोपेट्रिक स्पीशीज. और वो स्पीशीज जो समान, सेम जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होती हैं वो कहलाती है हमारी सिम्पेट्रिक स्पीशीज. इज दैट क्लियर? तो स्पीशीज समझ में आ गई हमें अच्छे से. एक बार रिवाइज कर लें स्पीशीज को. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज. फिर हमने बोला कि मैम स्पीशीज जो है कौन कौन से टाइप की है, तो हम एक और बार वो ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? बायोलॉजिकल स्पीशीज, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, ये फैनेटिक होगी जब मॉर्फोलॉजिकली सेम होगी, और ये जेनेटिकली सेम होगी. फिर हम बात करेंगे किसकी? एलोपेट्रिक की, जो अलग से एरिया में होती है. फिर हम बोल रहे हैं सिम्पेट्रिक की, जो समान एरिया में रहेगी. इसके अलावा हमने बोला पॉलीटिपिक, जिसमें जिसमें क्या होगा, जो सब उसमें सब स्पीशीज में डिवाइडेड होगी. मोनोटिपिक, डू नॉट सब डिवाइडेड इनटू सब स्पीशीज. इज दैट क्लियर? ये बात हमने करी. इसके बाद हमने बोला कि जो स्पीशीज वर्ड है वो दिया हमारे जॉन रे ने, लेकिन बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो किसने दिया? हमारे अर्नेस्ट मेयर ने. क्या बोला? कि ऐसी स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. ये ध्यान रखिएगा, वो कौन सी स्पीशीज कहलाती है? बायोलॉजिकल स्पीशीज कहलाती है. और ये बात किसने कही है? ये बात कही है अर्नेस्ट मेयर ने. तो इस तरीके से स्पीशीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे जीनस की. अब क्या है जीनस? जीनस देखो बच्चों क्या है? एग्रीगेट है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ऐसी स्पीशीज का समूह है जीनस जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड हो. इज दैट क्लियर? क्या हुआ जीनस? क्या हुआ? जो एक दूसरे, जो स्पीशीज का ग्रुप है वो एक दूसरे से कैसे होंगी? क्लोजली रिलेटेड होंगी. अब जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये बात तो समझ में आ गया, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. हमेशा बच्चा जो है वो इस डेफिनेशन में कंफ्यूज होता है कि रिलेटेड स्पीशीज तो बोल रहे हैं, फिर कॉमन भी है, डिफरेंट भी है, बात क्या कहना चाह रहा है? तो बात जो कहना चाह रहा है वो देखो ये रहा. हमारे पास एक स्पीशीज है ए, एक स्पीशीज है बी, एक स्पीशीज है सी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीशीज
ए बी और सी को, यहां पर है स्पीशीज ई जी एच, ये स्पीशीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज ई जी और एच को। तो यानी कि ये स्पीशीज ई जी एच है वो है जीनस वन की, ये जीनस वन है जिसपे तीन तरह की स्पीशीज हैं ई जी एच, और ये स्पीशीज कैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, पहली बात। दूसरी बात, ये जीनस टू है और इसकी स्पीशीज कौन सी है, ए बी सी। अब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो सुनो, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी और स्पीशीज सी, ये एक दूसरे से मैच करेंगी, मिलती जुलती होंगे तभी ये एक जीनस में। हमने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, हमने क्या बोला, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो हाँ सही तो है, एग्रीगेशन किसका है, जो स्पीशीज एक दूसरे से मिलती जुलती है। यदि ये स्पीशीज एक दूसरे से नहीं मिलती होती तो क्या ये एक जीनस में आती, नहीं। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक जीनस है और इसमें ये स्पीशीज है, क्या ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, तो यू कैन से यस, राइट। अब दूसरी बात, ये जीनस वन है, इसमें स्पीशीज ई जी एच ये भी क्या है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, तभी ये एक जीनस में है। अब जो मुद्दा है समझने का वो ये है, क्या क्या स्पीशीज ए स्पीशीज जी से क्लोजली रिलेटेड है, क्या स्पीशीज ए स्पीशीज जी से क्लोजली रिलेटेड है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा नो। क्या आंसर आएगा, नो। अरे भाई जब अलग अलग हैं, जब रिलेटेड ही नहीं है, तभी तो ये जीनस वन और ये जीनस टू में, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो यहां पर जो लाइन कहना चाह रहा है क्या बोल रहा है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा, एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। तो भाई एक जेनेरा ये है, एक जेनेरा ये है, इन दोनों की स्पीशीज क्लोज रिलेटेड नहीं है ना, लेकिन जेनेरा वन की जितनी स्पीशीज है वो क्लोजली रिलेटेड है। इज दैट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ एक और चीज समझेंगे। अब हमारे पास है जीनस, है ना, और स्पीशीज यहां लिख रही हूं मैं, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस। फिर हम बात कर रहे हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम कैपिटल नहीं लिखना होता है ना, स्पेसिफिक एपिथेट को कैसे लिखना होता है, शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट लेटर में, निग्रम सोलेनम निग्रम हो गया, फिर कैपिटल लिख दिया। देखो ये जो गलतियां है ना, ये बहुत सुधारने की जरूरत है बच्चों, मेलोनजीना। फिर हम बात करें डॉग वुल्फ और जैकल, इनका जीनस है कैनिस। फिर हम बात करें कैट की, तो इनका जीनस है फेलिस। अब बात सुनो बच्चों, बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे नीट के अंदर बड़े घुमा के आते हैं, समझने वाली बात है। यहां पर तुम देखोगे पैंथरा पैंथरा पैंथरा, आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड जीनस को। तो यहां पर जीनस कितना है, जीनस की संख्या है एक, यानी कि पैंथरा ये जीनस हो गया एक, ये जीनस हो गया एक। फिर हम बात कर रहे हैं सोलेनम की,
सोलेनम की बात कर रहे हैं, तो ये सोलेनम कितना हो गया, दूसरा जीनस हो गया, ठीक है, ये लो दूसरा जीनस। फिर हम बोल रहे हैं ये स्पीशीज है और इसमें क्या है, कैनिस, तो हम बोल रहे हैं तीसरा कैनिस जीनस हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कैट, कैट का जीनस क्या है, फेलिस, तो चौथा हो गया फेलिस। अब आप बोलोगे कि ये जो लियो है, टिग्रिस है, पार्डस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को, और ये जो पूरा नाम इंडिकेट कर रहा है ये किसको कर रहा है, स्पीशीज को। तो तीनों चीज समझ लिए, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है। अब जो क्वेश्चन है वो सुनो जो मैं आपको देने वाली हूं, आ जाओ। ये मैंने तुम्हें एक चार्ट दिया है जिसमें मैंने डॉग, कैट, वुल्फ और टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, इसके अलावा मैंने सोलेनम, सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम क्या हो गया, निग्रम, सोलेनम मेलंजीना, है ना। इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ कैट हो गया, वुल्फ हो गया, जैकाल की। मैंने तुम्हें ये इंडिविजुअल दे दिए, अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पर टोटल जीनस कितने हैं और टोटल इंडिविजुअल्स कितने, राइट। और यहां पर बात करें तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ पोटैटो, यहां पर निग्रम है मकॉय, यहां पर मेलनजेना है तो ब्रिंजल, ठीक है तुम इसको याद कर लो। यहां पर मैं लिख दूं टाइगर, यहां पर मैं लिख देती हूँ लायन, और यहां लिख देती हूँ मैं लेपर्ड या लेपर्ड, ठीक है। अब तुमने इंडिविजुअल बताने या ऑर्गेनिज्म बताने और या तुम्हें बताने हैं जीनस, संख्या बतानी है, तो आ जाओ गिनते। देखो डॉग का एक जीनस है, नंबर वन डाल रही हूं, कैट का दूसरा जीनस है, इसका फेलिस है, इसका कैनिस है, वुल्फ का भी कौन सा है, एक जीनस है, मतलब नंबर एक, ठीक है नंबर एक जीनस। टाइगर का हमारा जीनस अलग है, लायन का जीनस भी हमारा टाइगर वाले जीनस से सेम है, और पार्डस का भी हमारा सेम है, तो मैंने तीन तीन नंबर डाल दिया, राइट। यहां पर मेरे पास सोलेनम है, तो यानी कि मेरे पास चौथा जीनस है, तो जो भी सोलेनम वाली स्पीशीज होगी वो सारी किस में आएगी, एक ही जीनस में आएगी। तो अब गिन लें अपन कितने अपने पास जीनस आ गए, देखो चार चार चार, यानी कि ये एक जीनस चार नंबर वाला। फिर हम बात कर रहे हैं तीन तीन तीन, जीनस थ्री। फिर हम बोल रहे हैं जीनस एक एक, और जैकाल में भी कौन सी आएगी, एक ही आएगी, तो ये लो जीनस वन। फिर हम बोल रहे हैं कैट दूसरे नंबर का, जीनस फोर और जीनस टू, राइट। तो कितने जीनस हो गए, वन टू थ्री फोर, तो हमारे पास टोटल जीनस कितने हैं बच्चों, चार जीनस है। और इंडिविजुअल्स कितने हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हो गए हमारे पास दस इंडिविजुअल्स। इज दैट क्लियर, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको समझना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो हमारा जो जीनस है, जो हमारा जीनस है, एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट, बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। तो ऐसी स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड हो वो एक ही जीनस में रखी जाएगी, या एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। एकदम डन हो गया, कोई डाउट है यहाँ पर जीनस तक, नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन फैमिली पे। देखो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, रिलेटेड जेनेरा स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सुन लो।
मैं बोल रही हूँ किंगडम से स्पीशीज पर मेरी हायरार्की चल रही है, तो सबसे पहले तो ये कौन सी हायरार्की है? डिसेंडिंग हायरार्की है, राइट? अब तुम्हें बतानी है कि इस डिसेंडिंग हायरार्की में जो सिमिलैरिटीज है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ध्यान रखना इसमें। मैं बोल रही हूँ जो स्पीशी मतलब जो किंगडम से स्पीशीज में तुम जा रहे हो, डिसेंडिंग हायरार्की में जा रहे हो, तो जो सिमिलैरिटीज है वो बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या कुछ भी नहीं होगा? जल्दी से आंसर सोचो कि अपन डिसेंडिंग हायरार्की में चल रहे हैं और जो हमें सिमिलैरिटीज पूछनी है वो हमें पूछनी किंगडम से स्पीशीज में, तो सिमिलैरिटीज बढ़ेगी या घटेगी? तो आंसर क्या आएगा बच्चों कि सिमिलैरिटी जो है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? यहां पर जो सिमिलैरिटीज है वो है बहुत कम, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, आप स्पीशीज में बात करोगे तो मैंने क्या बोला था, मॉर्फोलॉजिकल फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी, तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज कहां होगी? स्पीशीज में। उसके बाद किस में लेस होगी? आपकी जीनस में। फिर आपकी किस में लेस होगी? वो होगी आपकी फैमिली में, फिर ऑर्डर में, फिर आपके फाइलम में, क्लास में, फिर फाइलम में और फिर किंगडम में। तो जब तुम डिसेंडिंग हायरार्की में आ रहे हो किंगडम से स्पीशीज में, तो हमेशा जो सिमिलैरिटीज है बच्चों वो इंक्रीज होगी, याद रखिएगा। और जैसे ही तुम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, बट धीरे 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 किंगडम तक कम होती गई। तो यानी कि जो सिमिलैरिटीज है यहां पर हमेशा डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? यहां पर हमने क्या बोला, फैमिली। फैमिली में क्या बोल रहा है कि रिलेटेड जेनेरा है उसका ग्रुप फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है वो कैसे जाती है, कम होती जा रही है। पहले सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में थी, फिर उसके बाद में जीनस में थी, फिर उससे कम किस में आएगी, फैमिली में। यही तो लाइन कह रहा है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिली, जीनस और स्पीशीज, तो यहां पर सिमिलैरिटी जो है इधर जा रहे हो तो बढ़ेगी, लेकिन अभी अपन ये पढ़ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज बढ़ेगी। तो यहां पर अपन को बताया कि तुम स्पीशीज से जीनस जा रहे हो, जीनस से तुम फैमिली पे जा रहे हो, तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, लेस हो जाएंगी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। क्लियर हो गई? एनसीईआरटी की एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ होता है और कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो तुम्हारी फैमिलीज है उसमें जो तुम आपका जीनस रख रहे हो, जो जेनेरा रख रहे हो, वो किस आधार पे रख रहे हो, कैसे तुम उसको कैटेगराइज कर रहे हो, तो आप क्या कैसे कर रहे हो, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में क्या अंतर है? मान लीजिए ये प्लांट है, तो इसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तुम्हारा वेजिटेटिव। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव होगा वो कैसा होगा, जिस दिन तुम्हारे पास फ्लावर आ गया और फ्लावर से सीड, सीड से फिर नया प्लांट, तो वो कौन सी ग्रोथ आएगी तुम्हारी, वो आएगी रिप्रोडक्टिव। तो यहां पर आ सकता है कभी कभी वेजिटेटिव और फ्लोरल। तो आपको आंसर करना है कि करेक्ट है, जरूरी नहीं है रिप्रोडक्टिव आ जाए वहां पे, आपको वेजिटेटिव और फ्लोरल भी आ जाएगा, तो आपको उसको करेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल, थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये किस में रखा गया है, ये रखा गया है सोलेनेसी फैमिली में, और ये एसी, ये जो मैं सफिक्स है वो इस वाले पार्ट के एंड में सिखाऊंगी कि ये सफिक्स कैसे लगते हैं और क्यों लगते हैं, कैसे पता लगेगा ये फैमिली है, ये ऑर्डर है या फिर ये हमारा किंगडम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, किंगडम में सफिक्स होता है कि नहीं होता, ये भी देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने लिया है सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, इनको हमने एक ही फैमिली में रखा है, किस फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में। तो आई होप कि जो हमारी फैमिली है, स्पीशीज है, जीनस है, वो आपका कंप्लीट हो गया है विद कंसेप्ट। ऑर्डर पे आ जाओ, इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज।
हम कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? स्पीशीज, स्पीशीज से हम गए जीनस, जीनस से हम गए फैमिली, फैमिली से अब आ गए ऑर्डर, राइट? अब देखो, हमने बोला, ये एक बार याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रही हूं। फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंक को। कौन सी रैंक है? स्पीशीज। सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरी, रैंक, लेवल, जीनस को। थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंक, कैटेगरी, लेवल, फैमिली को। फोर्थ नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंक, लेवल, जीनस, सॉरी, रैंक, लेवल और हमारी कैटेगरी, ऑर्डर को। पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताओ कि जो फोर्थ नंबर रैंक पर, जो फोर्थ नंबर ऑफ रैंक है, वो किससे मिलकर के बनी हुई है? फोर्थ नंबर रैंक पर जो कैटेगरी तुमने डाली है वो किसकी बनी हुई है? तो तुम बोलोगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज की। फिर मैं बोलूंगी जो थर्ड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक, वो किसके, किससे मिलकर के बना हुआ है? तो तुम बोलोगे रिलेटेड टू सेम जेनस। या हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा सेकंड नंबर की रैंक पे जो जीनस है वो किससे मिलकर के बना होगा? तुम बोलोगे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के आता है। अब देखो, इट इंक्लूड्स वन एंड मोर रिलेटेड फैमिलीज। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर। एग्जाम्पल, जैसे प्लांट फैमिलीज है, ठीक है, प्लांट फैमिलीज है जैसे कॉन्वोवुलेसी और सोलेनेसी, तो वो किस ऑर्डर में आ रही है? वो ऑर्डर में आ रही है पॉलीमोनियलिस, ठीक है, पॉलीमोनियलिस। आपने देखा होगा फैमिली कौन सी है? कन्वोवुलेसी और सोलेनेसी। कन्वोवुलेसी और सोलेनेसी किस में आ रही है? पॉलीमोनियलिस। तो आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हो PCS। सी यानी कॉन्वोलेसी, एस यानी सोलेनेसी, दोनों किस में आ रही है? पॉलीमेनियस, पॉलीमोनियलिस ऑर्डर में। किस में आ रही है? पॉलीमोनियलिस ऑर्डर में आ रही है। इज दैट क्लियर? और ये किससे, किस पे बेसिस है? फ्लोरल कैरेक्टर पे। इज दैट क्लियर? किस पे रिलेटेड है ये ऑर्डर? उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड है। अब हम बात करें द एनिमल्स ऑर्डर। कार्निवोरा जो है बच्चों, उसमें फैलिडी और कैनिडी, देखो फैलिडी और कैनिडी क्या है? दो फैमिलीज हैं, ठीक है। कैनिडी किसकी है? डॉग की, जैकाल की, वुल्फ की, है ना। और जो फैलिडी है ये किसकी है? कैट की, राइट। तो ये दोनों जो फैमिलीज हैं वो कौन से ऑर्डर में जा रही है? वो जा रही है कार्निवोरा में। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर जा रही है। दो कौन सी दो फैमिली जा रही है? फैलिडी और कैनिडी। आ जाओ क्लास की बात कर ले। क्लास पे आए तो अब अपन पढ़ रहे हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर हो गया। अब हमारी जो फिफ्थ रैंक है वो है क्लास। क्लास किससे रिलेटेड होगी? जो मिलते जुलते होंगे। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, लेकिन सिमिलैरिटीज की बात करें तो यहां पर सिमिलैरिटीज कैसी होंगी? लेस। किससे? ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से और स्पीशीज से। क्या बोल रहा है? क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग लेस सिमिलैरिटीज देन ऑर्डर्स, है ना। ऑर्डर से लेस किस में होगी? मतलब ऑर्डर किससे लेस होगा? फैमिली से। फैमिली से, फैमिली किससे लेस होगी? जीनस से। जीनस किससे लेस होगा? स्पीशीज से। इज नॉट क्लियर? तो एग्जाम्पल, जो ऑर्डर कार्निवोरा भी हमने देखा, कार्निवोरा में कौन सी फैमिली है? कैनेडी और फैलिडी। कैनेडी और फैलिडी कार्निवोरा ऑर्डर में प्रेजेंट थी। अब ये जो ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड हो रहे हैं? टाइगर, कैट, डॉग, और ये कौन सी क्लास में है? तो एक बात समझाती हूँ आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैट, डॉग, पोटैटो, ठीक है, ब्रिंजल, और ठीक है यही है। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, अब देखो
मैंगो भी लिख लेते हैं चलो, राइट। आपसे पूछा जाए मैंगो की स्पीशीज का नाम बताओ, तो आप बोलोगे मैंगी फेरा इंडिका, राइट। आपसे पूछा ब्रिंजल की स्पीशीज का नाम बताओ, आप बोलोगे मैम सोलेनम, ब्रिंजल है तो मेलोनजीना। फिर आपसे पूछा कि पोटैटो की स्पीशीज बताओ, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आपने बात कर ली, ठीक है, यहां पर आपने बात कर ली स्पीशीज की। फिर आपसे पूछा जीनस का नाम बताओ, तो आपने बोला कि जो पोटैटो और ब्रिंजल है वो किस जीनस में आते हैं, सोलेनम जीनस में आते हैं, राइट। मैंगो जो है वो मैंगीफेरा जीनस में आता है। डॉग जो है मैम ये किस में आता है, कैनिस जीनस में आता है। कैट जो है मैम वो फेलिस जीनस में आता है। फिर हमने बोला जो लियो है वो किस में आता है, वो आता है पैंथरा में। ये हमने बात करी जीनस की, राइट। पहले हम स्पीशीज पढ़े, स्पीशीज से हम जीनस में आए, जीनस से हम फैमिली में आए। फैमिली कौन सी हमारी, अब सोलेनेसी है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है। तो तुम बोलोगे मैम इसमें धतूरा भी आ रहा है, राइट, इसमें पोटैटो भी आ रहा है, तो ये तुम्हारी फैमिली हो गई। अब इस फैमिली को तुम किस में डालोगे, ऑर्डर में, आ जाओ ऑर्डर में डाल ले। आप बोल रहे हो मैडम जब रिलेटेड फैमिलीज होंगी उसका एक ग्रुप क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो रिलेटेड फैमिलीज की हम बात कर ले, तो हमने बोला मैम पी सी एस कॉन्वोवुलेसी सोलेनेसी किस ऑर्डर में जा रही है, पॉलीमोनियलिस में, है ना, पॉलीमोनियलिस में। अब हम बोल रहे हैं जो कार्निवोरा ऑर्डर है, कार्निवोरा जो ऑर्डर है वो क्या है। कार्निवोरा ऑर्डर में आपके कैट भी आ रहे हैं, आपके डॉग भी आ रहे हैं, राइट। यानी कि कौन सी फैमिली आ रही है, कैनिडी और फैलिडी फैमिली आ रही है, राइट। अब मैम आपने बोला फैमिली ऑर्डर, अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास। जो कार्निवोरा ऑर्डर है बच्चों, कार्निवोरा ऑर्डर है, इसके जितने भी हम बोल रहे हैं स्पीशीज है, कैट डॉग है ना, ये सब किस में आएंगे, कौन सी क्लास में आएंगे, ये आएंगे मैमल्स में। तो अभी तक हमने यही वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये एग्जाम्पल वापस से रिकॉल क्यों कराएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए आप ऑर्डर की बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, आप फैमिली की बात कर रहे हो तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, इज दैट क्लियर। तो कार्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट डॉग प्लेस्ड इन अ क्लास ऑफ मैमिलिया, ये बात हमने कही है। अब क्लासेस कंप्लीट अपनी, फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम एंड डिवीजन। तो डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, वो किस में रखा जाएगा आपका, फाइलम डिवीजन। सिमिलैरिटीज, स्पीशीज से किंगडम पे जा रही है तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हम असेंडिंग हायरार्की पढ़ रहे हैं अभी, स्पीशीज से हम अभी फाइलम डिवीजन पे आए हैं, तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जा रही है बच्चों। और हम बोले नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम बोल रहे हैं थोड़े इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विद मैमल कॉन्स्टिट्यूट। फिर हम बात करें द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा जो है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है कॉर्डेटा का, उसमें कॉमन फीचर्स क्या है, मतलब जो भी एनिमल्स आप कॉर्डेटा में रखोगे उनके कॉमन फीचर्स क्या रहेंगे, कि उनके पास नोटोकॉर्ड होगी, राइट। अब हम बात करें किंगडम की, किंगडम क्या है, किंगडम हमारी सबसे हाईएस्ट यूनिट है या हाईएस्ट कैटेगरी है, राइट। क्लासिफिकेशन की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है। लेकिन सिमिलैरिटीज की बात करें तो सबसे कम है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, स्पीशीज में मिलेगी। यहां पर बात करें किंगडम, आरएच विटेकर ने जो किंगडम दिया, हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, वो क्या है, जिसमें हम बोल रहे हैं प्रोटिस्टा है, प्रोकैरियोट्स है, फिर हम बोल रहे हैं फंजाय है, एनिमल है, प्लांटी है, ये क्या है, ये सारे किंगडम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इज दैट क्लियर।
तो अपन ने क्या करी, जो ऑब्लिगेट 7 कैटेगरीज थी उसके बारे में पढ़ लिया विद एग्जांपल्स, ठीक है, क्या क्या हम किस तरीके से उनके फीचर्स को देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, वेजिटेटिव देखते हैं, रिप्रोडक्टिव देखते हैं, फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सारी चीज़ें हमने पिन डाउन कर ली। अब हम बात करें, देर आर सम एक्स्ट्रा और सब कैटेगरीज, ठीक है, देर आर सम एक्स्ट्रा और सब कैटेगरीज लाइक, जिसको मैंने क्या बोला था, असेंशियल कैटेगरीज क्या हैं, जैसे सब डिवीजन हो गया, सब ऑर्डर हो गया, सब फैमिली हो गया एक्स्ट्रा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि जो ट्राइब है वो किस रैंक के बीच में आता है, राइट? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको बोल दिया जाएगा कि बहुत सारी मतलब ऑर्डर दे दिए जाएंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बताना होगा कि ट्राइब जो है वो किसके बीच में आएगा, राइट? तो ट्राइब हमेशा याद रखना है बच्चों, जो जीनस है और जो सब फैमिली है इसके बीच में क्या आएगा, ट्राइब। क्लियर? क्वेश्चन आता है इसलिए बता रही हूं, जीनस और सब फैमिली के बीच में क्या आएगा, हमारा ट्राइब आएगा। सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का वो हमें देखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज, या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज। जीनस क्या है, वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज। फैमिली क्या है, जेनेरा को अपन इंक्लूड करें तो। फिर हम बात करें ऑर्डर, जब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर के बनाएंगी, मैनी ऑर्डर ज्वाइन टूगेदर फॉर्म अ क्लास, मैनी क्लासेस फॉर्म अ फाइलम। फिर हम बोलेंगे जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो है किंगडम, राइट? वेरियस ग्रुपिंग लेवल और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन नॉन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ये सारी क्या थी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। अब है सफिक्स एंड सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। सफिक्स एंड सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है हमारी, जब हम बात करेंगे बच्चे सफिक्स की, सफिक्स का मतलब जो है पीछे लगने वाली चीज, है ना, प्रत्यय, ना कि उपसर्ग, प्रत्यय क्या है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि हम बात करें रैंक की तो रैंक में सफिक्स होता है, लेकिन किंगडम में सफिक्स है या नहीं, जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम बात करें, राइट? तो हमने बोला कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा में आ रहे हैं, तो मोनेरा। फिर हमने बोला प्रोटिस्टा, फिर हमने बोला फंगाय या फंगस, फिर हमने बोला प्लांटी, एनिमेलिया। तो कहीं पर भी सफिक्स सेम लग रहा है तुम्हें, सब जगह अलग अलग साउंड आ रहा है, तो दैट मीन्स जब प्रत्यय अलग अलग साउंड कर रहा हो तो वहाँ पे कोई भी सफिक्स लगेगा ही नहीं, तो किंगडम में कभी भी सफिक्स नहीं होता, याद रखना। फिर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में जो हमारा सफिक्स है बच्चों, याद रखना डिवीजन में क्या सफिक्स लगेगा, फाइटा। फाइटा कैसे, जैसे हमने बोला ब्रायोफाइटा, हमने बोला टेरिडोफाइटा, हमने बोला स्पर्मेटोफाइटा या थैलोफाइटा, ठीक है? फाइटा कब लग रहा है, जब अपन डिवीजन की बात कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे पीछे फाइटा आ जाए तो तुम बता सकते हो ये किसके बारे में बात हो रही है, डिवीजन के बारे में बात हो रही है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइटा वर्ड, ये फाइटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवीजन को। फिर हमने बात करी क्लास, क्लास में क्या क्या सफिक्स लग सकते हैं, ठीक है, ऑप्सिडा, फाइसी और ए, राइट? क्या लगेगा, ऑप्सिडा, फाइसी, ए, ये किसके सफिक्स हैं, ये सफिक्स हैं क्लास के। कैसे, जैसे अपन ब्रायोफाइटा की क्लास के बारे में बात करें, ब्रायोफाइटा की क्लास के बारे में बात करें तो तीन क्लासेस हैं इसके पास, कौन सी, हिपैटिको ऑप्सिडा, एंथीरो ऑप्सिडा और बायो ऑप्सिडा। ये किसकी क्लास हो गई, ये हो गई हमारी ब्रायोफिटा की। बात क्या बताना चाहती हूँ, ऑप्सिडा, बात क्या बताना चाहती हूँ, ऑप्सिडा। मुझे लगता है कलर अलग कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये लो, ठीक है, ऑप्सिडा, 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 ये किसका सफिक्स है बच्चों, ये सफिक्स है क्लास का। फाइसी, यदि तुम थायलोफाइटा की क्लास के बारे में बात करो तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फाइसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को। तुमने सफिक्स देख करके पता लगा लेना है कि ये डिवीजन की बात हो रही है या फिर ये बात हो रही है क्लास की। फाइटा आ रहा है तो आप डिवीजन की बात कर रहे हो, क्लास। ऑप्सिडा आ रहा है पीछे तो क्लास की बात कर रहे हो।
फाइव एस ही आ रहा है तो क्लास की बात कर रहे हो, ए ही आ रहा है तो क्लास की बात कर रहे हो, किंगडम में कोई सफिक्स नहीं होता है। क्लियर? हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर में एल एस आएगा, ठीक है, जैसे पॉइस, पॉली, मोनियलिस। बात करी थी हमने पी सी एस, जिसमें कॉन्वोवुलेसी और सोलेनेसी कहाँ पर आ रहा था, किस ऑर्डर में आ रही थी वो फैमिलीज, वो आ रही थी पॉली मोनियलिस। तो एलियस आ गया, ये क्या है, सफिक्स है, किसका है, ऑर्डर का। ना फैमिली ए सी, मतलब ए सी याद रखो, फैमिली कब सर्वाइव करेगी, गर्मियों में जब ए सी होगा तभी आरामदायक वो निद्रा में जा सकती हैं। ए सी फैमिली या ऐसी फैमिली होनी चाहिए, किसी भी तरीके से याद कर लो। ए सी कहाँ पर लगेगा, फैमिली में, जैसे सोलन ए सी, राइट। तो यहाँ पर जो सफिक्स है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, कौन सी रैंक से, क्या वो फाइटा है तो डिवीजन है, राइट, ऑप्सिडा है तो वो क्लास है, हम बोल रहे हैं एलिस है तो वो ऑर्डर है, फैमिली है तो ए सी है। इज इट क्लियर? अब देखो, डिवीजन में फाइटा, क्लास में ऑप्सिडा फाई सी ए, ऑर्डर में एलिस, फैमिली में ए सी। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ मस्टर्ड, अब मस्टर्ड में यहाँ पर एग्जांपल दिया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या हमारा स्पीशीज है, फिर जीनस ब्रैसिका है, फैमिली ब्रैसिकेसी, ठीक है, एसी वाला फॉर्म आ गया, ऑर्डर है पैरियट एलिस, एलिस आ गया, फिर हम बोल रहे क्लास है डाइकोटिलेडनी। यहाँ पर देखो मैंने वो नहीं बताया तुम्हें, एक मिनट बता देती हूँ, ये रहा, यदि स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा क्या है, डिवीजन है, इसकी हम क्लास के बारे में बात करें तो डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी, तो यहाँ पर क्या आ गया, डाइकोटिलेडनी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा आ गया, किंगडम है, यहाँ पर कोई भी सफिक्स नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ, ये है तुम्हारी एक टेबल, ठीक है, 1.1 में तुमसे पूछा गया है। यहाँ पर जो टेबल है बच्चों, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से, किसी की क्लास पूछ ली, किसी का तुमने ऑर्डर पूछ लिया, किसी का फाइलम पूछ लिया, राइट। तो तुम्हें ये चीज़ जो है अच्छे से लर्न करनी है, समझनी है। यदि तुमने स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, इन सबका बारे में पता है तो तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं। और सफिक्स मैंने इसीलिए बताएं ताकि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ईजी। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेफियंस, तो होमो उसका जीनस होगा, होमिनिडी क्या होगी, इसकी फैमिली, क्योंकि ए आ गया। ऑर्डर प्रीमेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्लास मैमिलिया है, फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा है, और किंगडम क्या है इसका, एनिमिलिया है। वैसे ही डॉग की बात करें तो कैनिस फैमिलीज, कैनिस क्या हो जाएगा इसका जीनस, फैमिलीज इसकी क्या हो जाएगी, ओ फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, कैनेडी हो जाएगी। फिर ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमिलिया, कॉर्डेटा और एनिमिलिया। ऐसे ही हाउस फ्लाई की तुम्हें याद करनी है, मैंगो की, वीट की और तुलसी की। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से आपको देखनी है, जहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हो वहाँ पर लिख करके चार्ट में और चिपका लो ताकि चीज़ें याद रहे। तो आज हमने क्या जाना कि जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसको हमने बहुत अच्छे से जाना, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, 21 के लगभग हमारी असेंशियल कैटेगरीज है, असेंशियल कैटेगरी जो समय पे काम आए, ऑब्लिगेट कैटेगरी जो कि हमेशा ही जिसकी ज़रूरत हो। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।